प्लीज मैडम अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। 9801 4 ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रही है, तो जिस किसी को इससे शादी करनी हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये लड़की अच्छी है तो आपको शादी करनी हो, तो आप इससे कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करके इससे बात करो। हाँ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई परेशान ना करे इसे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है ये लड़की। मैडम हेलो, आपने बुलाया था? हाँ जी भैया, मैंने बुलाया। क्या हुआ? पहले साइड में आ जाओ थोड़ा सा। अरे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मेरा पति मेरे को बहुत मारता है, मेरी शादी करवा दो कहीं और। शादी यार शादी, हम क्या हुआ आपको? मेरा पति माँ वो भी क्या था, मुझे रोज बहुत मारता है, अब मेरे से इतना। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? बेदर्द हो रहा है। पी क्या था, मारता बहुत मारा उसने भैया मेरे को। तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मतलब मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी थी यूट्यूब पे, थे मैंने शादी के लिए, मैंने सोचा दूसरी शादी कर लूँ ताकि मैं उसके साथ अच्छे से रहूँ, बस अच्छा लड़का होना चाहिए। तो यार आप एक बात, आप ऐसे बोल रहे हो शादी करवा दो तो आपका पति क्या एक्शन नहीं लेगा? आपका पति नहीं कुछ, आपके अपने माँ बाप से बोलो ना, आपको अगर मार पीट रहा माँ बाप से बोलो। मैं देख लूंगी भैया, बस आप मेरी शादी करो। अरे तो आपने माँ बाप से बोलो, वो करवाएंगे ना, हम क्यों, हमसे क्यों बोल रहे हो? आगे पीछे कोई भी नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आगे पीछे कोई नहीं? कोई नहीं है, मेरे माँ भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, कोई नहीं है। तो शादी आपकी कैसी हो गई? शादी मतलब मैंने लव मैरिज। कितने साल हुई है शादी को? 2 साल। 2 साल में यहाँ तो मुझे रोज, पहले स्टार्टिंग में अच्छा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका बाहर अफेयर चलने लगा, फिर वो दारू पी के आके मुझे मारने लगा। तो मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, सुनो सुन मेरी बात, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज सुन तो मेरी बात सुनो। अगर आपको यार परेशानी है, कोई दिक्कत है तो कंप्लेंट वगैरह करो। एंड क्या करना है आपको, क्या करना है? मुझे शादी करनी है, इसलिए मैंने आपको तो यार एक बात, आप शादी करने की सोच रहे हो, मेरी बात सुनो, इससे अच्छा आप मेहनत कर लो, कहीं जॉब करो, अपने आप को पालो, अपने आप अपना अपना स्टैंड लो, क्या शादी करनी है? फिर दूसरा मिल गया ऐसा फिर क्या करोगे? भैया मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मम्मी को समझे, किसी की नीड होती है भैया। तुम्हें नीड है हस्बैंड की? हाँ, मतलब किसी के साथ रहना, अकेले नहीं रह पाओगी जिंदगी में? अकेले कैसे रह सकते हो भैया, प्लीज। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल है आपकी? यार मैच्योर हो, समझदार हो, कहीं जॉब करो, इन चीजों में कहाँ पढ़ रही हो शादी। अब सोचो तुम्हारा एक खराब निकल गया, दूसरा खराब निकल गया, फिर ये भी तो सोचो। लेकिन भैया फिर भी अब तुम्हारे हस्बैंड को पता लगेगा ऐसे तुम वीडियो बनाइए, फिर क्या होगा, फिर तो और मारेगा तुम्हें। वो क्यों मारेगा, फिर मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी ना उससे। तो डिवोर्स तो पहले ही ले लो ना तुम भैया। लेकिन वो कोई कांटेक्ट नंबर है तुम्हारा? हाँ। सुनो मेरी बात, कांटेक्ट नंबर दे दो। हाँ, ठीक है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको जो ठीक लगे लड़का आप उनसे। रो मत यार, रो ना, क्या इसमें रो मत, है ना, जो आपको ठीक लगे आप उससे बात कर लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं तो ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रही है, तो जिस किसी को इससे शादी करनी हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये लड़की अच्छी है तो आपको शादी करनी हो, तो आप इससे कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करके इससे बात करो। हाँ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई परेशान ना करे इसे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है ये लड़की, अगर आप परेशान करोगे तो और परेशान हो जाएगी। प्लीज़ मैडम अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। 9801 4 4। अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, आप अपना मत बताओ, आप अपना बताओगे तो लोग परेशान करेंगे, समझ रहे हो? जो परेशान करने वाले, जो जेन्युइन बंदे हैं वो तो चलो कॉल करेंगे, बट जो परेशान करने वाले वो भी करेंगे। आप एक काम करो, हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर आएंगे, आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, आप इतना कर लेना। तो दोस्तों आप एक काम करो, जो जेन्युइन शादी करना चाहता है इस लड़की से, जो जेन्युइन बंदा है शादी करना चाहता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर लिख दो, ये लड़की कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट करके आप इससे बात कर लेना, आपको ठीक लगे तो शादी वादी करनी हो शादी वादी कर लेना, दोस्त बनना दोस्त बनना, अगर आपको किसी की इसकी मदद करनी हो तो मदद कर देना। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, और ठीक है इसकी दवाई वगैरह ले लो, और हस्बैंड को जब तक पता लगेगा वीडियो वगैरह के बारे में, तब तक मेरे हिसाब से आपको साथ लड़का मिल चुका होगा, है ना? बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए बस। हाँ ये डिमांड तो नहीं है आपकी पैसे वाला हो ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बता दो, पता लगा देखो कोई कॉन्टेक्ट करे, फिर लड़का अच्छा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, दो वक्त का खाना दे दे बस। बाकी आप जॉब वगैरह तो आप पढ़ी लिखी तो आप भी जॉब कर लोगी आप, तो दोस्तों देखो जॉब वगैरह तो ये भी कर लेगी, कोई लड़का बस ऐसा हो, दो वक्त खाना हो, थोड़ा नौकरी वोकरी करता हो, बस ये है कि दारू वारू पी के ना मारे। देखो ये चीज़ें तो क्या है यार, फन के लिए अच्छी लगती है ड्रिंक्स वगैरह, मगर ये सब मारना पीटना ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो किसी को जेन्युइन अगर शादी करनी है, एक लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए, तो अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दो, और अगर नंबर जिसे नहीं चाहिए वो एक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। शेयर करने से क्या होगा यार दोस्तों, कि उस बंदे के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, क्या पता जिस बंदे को नीड हो एक लाइफ पार्टनर की, है ना? तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो शादी नहीं करना चाहता, हेल्प करना चाहे, जो इस लड़की की हेल्प करना चाहता है वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दे बस। ठीक है मैडम, और कुछ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आपको पैसे की डिमांड नहीं है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, बस आपको जो डिमांड है वो एक ही है कि आपको एक अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक है, तो बाकी आप अपना स्टैंड लो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, इन चीज़ों मत पढ़ो। ठीक है, चलो जी चलते हैं ना।
बाकी कर दो जी शेयर कर दो और हमें नंबर जरूर छोड़ जाना कमेंट बॉक्स में।